रिटेन्ड अर्निंग्स पे आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, उसको और क्या बोलते हैं अलग नाम से, उसके डिटरमिनेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। ये 4 मार्क का आपको क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ पे बहुत छोटे पॉइंट्स या बहुत कम पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिखना है, और ये मैंने 7 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। एट द सेम टाइम ये 7 पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है धरती माँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपके 7 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे ये स्टोरी बताने के बाद। पर पहले रिटेन अर्निंग्स का मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद बाकी पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको डिटेल में स्टोरी बताऊंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं रिटेन अर्निंग्स क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा रिटेन अर्निंग्स के दो और नाम हैं, आप उसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलो या सेल्फ फिनेंसिंग बोलो, बाकी कंसेप्ट सेम ही है। अब रिटेन अर्निंग्स होता क्या है, उसके पहले ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड मत करो। तो सपोजिटली आपने, मैं कंपनी हूँ, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिया शेयर कैपिटल का, ये मैंने धंधे में लगाया। इस 10 लाख रुपए से मैंने 1 लाख प्रॉफिट कमाया। अभी आपने मुझे 10 लाख दिया तो मुझे आपको रिटर्न्स में क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। मैं आपको 60,000 रुपीज एज डिविडेंड देता हूँ, समझ में आ रहा है। आपने मुझे 10 लाख दिया शेयर कैपिटल का, वो मैंने धंधे में लगाया, 1 लाख रुपए कमाया, आपको 60,000 दिया डिविडेंड के रूप में। मेरे पास कितना बचा, 40,000। बेसिकली वो तो रिजर्व है, बराबर है। ये 40,000 यदि वापिस में धंधे में लगाओ तो उसको आप रिटेन अर्निंग्स बोलो या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलो या सेल्फ फिनेंसिंग बोलो, ये एग्जाम में देखो काफी बार पूछा भी गया है। तो अभी इसको रिटर्न में समझते हैं। अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब कंपनी बिजनेस करती है तो नॉर्मली प्रॉफिट करती है। प्रॉफिट का वो ही दो भाग करेंगे, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पहला हिस्सा शेयर होल्डर्स को किस रूप में दिया जाएगा, डिविडेंड में। प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा रिजर्व के तौर पर रहेगा। जो दूसरा हिस्सा है रिजर्व्स के तौर पर रहेगा, उसको आप वापस धंधे में लगाओगे। जैसे कि रिलायंस ने मेट्रो को खरीदा 4,500 करोड़ में, ठीक है, उनका प्रॉफिट सालाना 50,000 करोड़ के ऊपर है। सो उनके पास रिजर्व्स बहुत अच्छा है, डिविडेंड भी देते हैं बट उनके पास रिजर्व्स अच्छा है। तो रिजर्व्स में से निकाल के दूसरे कंपनी को खरीदा, एक प्रकार का सेल्फ फिनेंस एक्सपेंशन हुआ ना बेटा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो डिविडेंड में नहीं बांटा है, जो रिजर्व है, जो आप बिजनेस में धंधे में वापिस लगाते हो। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो आपका रिटेन्ड प्रॉफिट्स है, रिटेन अर्निंग्स के डिटरमिनेंट्स क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, एज ऑफ कंपनी। एक नवी कंपनी है, ठीक है, बिकॉज नवी है उसको एक्सपांड करना है, उसको नए मशीन्स खरीदने हैं, नए ब्रांचेस खोलने हैं और एम्प्लॉयज अपॉइंट करना है। तो वो क्या करता है, जब वो प्रॉफिट करता है तो वो डिविडेंड कम देता है, वो रिजर्व्स ज़्यादा रखता है, क्योंकि ज्यादातर सेल्फ फिनेंस एक्सपेंशन ज्यादा अच्छा, क्योंकि नया कंपनी कर्जा ज्यादा लेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो प्रॉफिट कम होने का चांस रहता है। और रिस्क भी बढ़ता है आप लोन लेते हो तो। इसलिए नया कंपनी, ये बोलते ना, ज्यादातर ट्राई करेगा अपने पास पैसा रखने के लिए, ठीक है। पुराना कंपनी इतने सालों से है तो वो डिविडेंड बांट देगा, आया समझ में, तो रिजर्व्स कम रखेगा। नया कंपनी चाहेगा कि वो ज्यादा अपने पास किस रूप में रखे पैसा, रिजर्व्स के रूप में। दूसरा, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, आपको जो पॉकेट मनी दिया जाता है, आपने पूरा उड़ा दिया तो आपके पास रिजर्व्स कम बचेगा। सपोजिटली आपका 2,000 रुपया पॉकेट मनी है, आपने 1,800 रुपया खर्च किया तो आपने कितना, 200 रुपया बचाया। लेकिन पप्पा ने इस महीने, खुश है मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है, ले बेटा 5,000 रुपये ले ले, आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो आपने कितना, 4,000 रुपये खर्चा किया, कितना बचा, 1,000। सो आपका अर्निंग बढ़ गया तो आपका रिजर्व्स भी बढ़ेगा, है ना। तो अर्निंग्स कम तो रिजर्व्स कम, अर्निंग ज़्यादा तो रिजर्व्स ज़्यादा। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट।
सी, जैसे अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं क्रिकेट के, आप आईपीएल तो देखते हो, 10 टीम है, सबके कैप्टन्स और टीम अलग है, तो कंपनी चलाने वाले मैनेजमेंट का एटीट्यूड अलग रहता है। जो पुराने ख्यालात के कंजर्वेटिव सेफ रहना चाहते हैं, वो डिविडेंड कम देंगे, रिजर्व ज़्यादा रखेंगे। वो लोग बोलेंगे इमरजेंसी में पैसा लगेगा तो क्या, ठीक है ना। ये एक विचारधारा है। यदि लिबरल है, मॉडर्न ख्यालात के, कि नहीं शेयर होल्डर को खुश रखना है, तो डिविडेंड ज़्यादा देंगे। मैनेजमेंट का एटीट्यूड पर भी डिविडेंड पे बहुत असर होता है, और देयरफॉर रिजर्व, डिविडेंड ज़्यादा तो रिजर्व कर, ऑपोजिट रिलेशनशिप है, डिविडेंड कम तो रिजर्व ज़्यादा। चौथा, डिविडेंड पॉलिसी। सी, कंपनी के अलग अलग पॉलिसीज होता है। एक पॉलिसी है स्टेबल पॉलिसी, आप हर साल 20-25% देते हो, तो हर साल आप 20-22-25 उस रेंज में दोगे, दैट्स कॉल्ड एज अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। एक होता है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें आप डिविडेंड कम देते हो, मतलब रिजर्व्स ज़्यादा रखते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपांड करना है या भविष्य के रिस्क कम हो। देखो, गो जो एयरवेज है, गो एयरलाइंस बंद हो गया, उनके पास पगार देने के लिए ही पैसे नहीं बचे, मतलब उनका रिजर्व स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कम था। कंजर्वेटिव डिविडेंड में जब एक कंपनी प्रॉफिट करती है, तो वो डिविडेंड का रेट कम रखती है ताकि रिजर्व ज़्यादा रहे। अच्छा, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी मतलब, अब जैसे मैंने 1 लाख में आपको बोला 60 हज़ार डिविडेंड दिया, लिबरल रहेगा तो वो 80-90 हज़ार देगा, कंजर्वेटिव रहेगा तो वो 20-30 हज़ार ही डिविडेंड देगा, 80 हज़ार रिजर्व में रखेगा। लिबरल मतलब 80 हज़ार डिविडेंड, सिर्फ 20 हज़ार रिजर्व, और कंजर्वेटिव मतलब डिविडेंड कम, रिजर्व ज्यादा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। सी, गवर्नमेंट के अपने कायदे कानून हैं, बैंक्स इंश्योरेंस के अपने कायदे कानून हैं। पहली बात तो बैंक ने जितना प्रॉफिट किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, आपके नफे का 20% आप रिजर्व में कंपलसरी डालोगे, 20-25। कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिविडेंड का अपर सर्किट है, 15%, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। गवर्नमेंट का कंट्रोल, सेबी के गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट 2013, सबके गाइडलाइंस उनको देना, मानना पड़ेगा कि आपने इतना परसेंटेज डिविडेंड दिया तो इतना परसेंटेज आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा, ये सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। मैंने ऐसे गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, द सेबी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बाहर पैसा जा रहा है तो, ये सब के थ्रू गवर्नमेंट ने कायदे बनाए, और आपको वो कायदे फॉलो करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सेस। अब एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया तो आपके पास प्रॉफिट कम बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम बचेगा, तो आप डिविडेंड, आप रिजर्व कम बचेगा। यदि यदि गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाया, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा बचेगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा बचेगा तो आप रिजर्व ज़्यादा रख सकते हो। ये भी ऑपोजिट रिलेशनशिप, ज़्यादा टैक्स कम रिजर्व, कम टैक्स ज़्यादा रिजर्व, ठीक है ना। सेल्फ फाइनेंस एक्सपांशन, अभी जो शब्द है इधर जो दिए हुए हैं, एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब आपका लैपटॉप में 8 GB रैम है, आप उसमें 16 GB डालते हो, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाते हो, उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। एक्सपांशन मतलब आपका एक पेट्रोल पंप है, आप एक और पेट्रोल पंप डालते हो, उसको बोलते हैं एक्सपांशन। और एक और है जो इधर नहीं दिया है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पेट्रोल पंप है, आप एक किराना दुकान डालते हो, दोनों अलग धंधे हैं, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यदि आप खुद से एक्सपांड करना चाहते हो, आप क्या करते हो, डिविडेंड कम देते हो, और आपके प्रॉफिट में से ही आप जो रिजर्व्स बचता है वो आप एक्सपांड करते हो। मैं आपको अशोका बिल्डकॉन का एग्जाम्पल दे दूँ, 3 से 4 साल पहले मैंने उनका एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया था। उस मीटिंग में उन्होंने डिविडेंड 0% दिया ही नहीं था। एक शेयर होल्डर ने पूछा, आप डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने बोला हम लोग 20 स्टेट्स में के ऊपर काम करते हैं, तो अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेने के बजाय जो प्रॉफिट है वही रीइन्वेस्ट कर दिया धंधे में। सेल्फ फिनेंस्ड मतलब आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं, ये लॉजिक था उनका, तो इसलिए वो साल उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था। बहुत अच्छी कंपनी है अशोका बिल्डकॉन। तो सेल्फ फाइनेंस एक्सपेंशन जब आपको करना है, मतलब आपका पॉकेट मनी 2,000 है, आप 1,000 रुपया ही खर्चा करते हो, बचाते हो 1,000 रुपया, उसमें से आप फिर कुछ लेते हो, आपके खुद के पैसे से रैदर देन टेकिंग अ लोन आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसको, इसके लिए रिजर्व लगता है। रिटेन अर्निंग्स फिर आप बहुत ज़्यादा रखोगे, डिविडेंड कम दोगे, तो
तो कितने पॉइंट्स हुए? 7। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये 7 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। नाउ धरती माँ नाम की एक स्टोरी है। आप मानोगे कि धरती हजारों साल पुराना है। सो सबसे पहला पॉइंट, एक धरती माँ है जो हजारों साल पुराना, जिसका एज, एक धरती है हम उसको माँ बोलते हैं, धरती माँ का एज हजारों साल पुराना है। एक फार्मर है, उसने अपना टोटल अर्निंग उस धरती में लगा दिया। वापिस एक बार, एक धरती माँ है जिसका एज हजारों साल पुराना है, एक फार्मर है जिसने अपना पूरा टोटल अर्निंग उस धरती पे लगा दिया, बट उस फार्मर के फैमिली मेंबर्स जो है उनका एटीट्यूड, जो मैनेजमेंट करते हैं उनका एटीट्यूड अलग है। वो लोग बोलते हैं हम खुद खेती बाड़ी नहीं करके ये जमीन को किसी को लीज पे दे दिया जाए, रेंट पे दे दिया जाए और रिटर्न्स में हमको डिविडेंड मिलेगा। ऐसा सोचो, रेंट नहीं डिविडेंड मिलेगा सोचो। वापिस से एक बार, धरती माँ है उसका एज हजारों साल पुराना है, एज ऑफ द कंपनी। एक फार्मर है जिसने अपना टोटल अर्निंग इस धरती पे लगा दिया, बट उसके फैमिली मेंबर्स का जो एटीट्यूड है बड़ा अजीब है। वो लोग सोचते हैं मैनेजमेंट, हम इसको भाड़े पे दे देते हैं, हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम इसको रेंट पे दे देते हैं। वो जो जो फार दूसरे फार्मर को रेंट पे दिया वो हमको डिविडेंड देगा। अब उनको पता नहीं रहता है कि भाई आपने रेंट पे दिया, गवर्नमेंट बोलता है कि हम इस पे टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये लोग दुखी हो जाते हैं। उतने में धरती माँ को गुस्सा आता है कि मुझे क्यों भाड़े पे दे रहे, मेरे पे काम करके फसल निकालो। तो उसमें भूकंप आता है, तो अपने आप धरती सेल्फ फिनेंस एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। वापिस से एक लास्ट रिपीट करते हैं। एक धरती माँ है जिसका एज हजारों साल पुराना है, एक फार्मर है वो टोटल अर्निंग अपना उसने इस धरती पे लगा दिया, बट उसके फैमिली मेंबर्स का मानना है उनका एटीट्यूड अलग है। वो लोग बोलते हैं हम खुद मैनेज क्यों करें, हम इसको भाड़े पे दे दे और रिटर्न्स में हमको डिविडेंड आएगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हम इस पे टैक्स लगा देंगे। और धरती नाराज हो जाती है, धरती माँ, और सेल्फ फिनेंस भूकंप आने की वजह से एक्सपांड करती है। एक बार आप 7 पॉइंट्स लिख के लिखा निकालोगे बिना देखे तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी का फायदा कैसे हुआ। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी आइडिया आ सके स्टोरी का, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आप कमेंट सेक्शन में डाल देना आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ वीडियोस चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंग्लिश SP OC ECO, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।